मैं जानता हूं तुम्हें भूख लगी है, जानता हूं तुम्हें बहुत भूख। काम शुरू ही क्यों किया था? मैं तुम्हें हमारे घर के उसूल बताता हूं। सयाल उसूल नंबर एक, कभी भी तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं होगी। सयाल उसूल नंबर दो, सामने वाले को शिकस्त दोगे, अपने हाथों को खौफ की आदत नहीं डालोगे, तकलीफ दोगे। अम्मी, रशिया कितना बड़ा है? हाँ बेटा, बहुत बड़ा है। अम्मी, मैं वहाँ स्कूल जाऊंगा ना? जब रूस गए तो चले जाना मेरी जान, लेकिन अगर हमें यहाँ रहना पड़ा तो। पर मैं यहाँ के स्कूल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रशियन नहीं आती, क्योंकि मैं सीख सकता हूँ, वैसे भी मैं बहुत ज़हीन हूँ। कहीं तुम बहुत ज्यादा मगरूर बच्चे तो नहीं बन गए हो? हाँ अम्मी छोड़े हा? ना अम्मी, क्या मैं छोटा बच्चा हूँ? छोटे से बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, छोटे से बच्चे हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये लो गुदगुदी। ये शायद कोई आया है। खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी देवरानी, कैसी हो तुम? हमने सोचा कि मुस्तफा की अदालत जाने से पहले तुमसे मुलाकात कर ली। अच्छा किया आपने। खुश आमदीद। शुक्रिया मैम। खुश आमदीद सानिया खाला। शुक्रिया। खुश आमदीद उस्मान बाबा। खुश आमदीद। तुम लोग अंदर नहीं आओगे? नहीं भाभी, हम यहीं पर ठीक हैं। हम अली भाई के साथ बैठते हैं। जी भाभी, क्या कुछ चाहिए? तुम लोग पहले ही इतना सब कुछ कर चुके हो। ईद? मेरा शेर। कैसी हो मेरी बेटी, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। अच्छी रहो, अच्छी रहो बेटी। कब जा रहे हो तुम लोग नफीस? आसिया बाजी ने रास्ते में बताया तो था पर। अस्मा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मैं ना जाऊं और पुलिस के हवाले कर दूं तो? 5 साल की कैद हो सकती है नफीस। यीद को भी खो दोगी। कैसे? यीद का बाप एक मफरूर कातिल है और उसकी माँ एक कैदी। ऐसे में हुकूमत 6 साल से बड़े बच्चों को ह्यूमन राइट्स वालों को दे देती है। अगर ताहिर ले ले तो? हिफाजती सिस्टम भी एक चीज है नफीस, उसके मुताबिक तो यही होना है। ताहिर ने एतराफ दे दिया है, अपनी जिंदगी की जमानत खो दी है उसने। वो यहाँ रुक के इस बात का इंतजार कर रहा है कि विदाद उसे कब मारेगा। ये तीनों यहाँ से जाके ही बच सकते हैं बस। मैं उसे उसके घर से दूर करना नहीं चाहती। हमने कहा एक दूसरे के लिए शिफा बने और एक दूसरे के लिए दवा भी बन जाओ मेरी बेटी। एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा होता है। महमूद होकर आती हूं।
मेरे बेटे को मुझसे दूर ना करो। देखो तुम्हारा भी तो दिल जलेगा ना ईद को जुदा करते हुए, और मेरे दिल का क्या? मुस्तफा जेल में है, मेरा घर लावारिस हो गया है, ताहिर भी चला गया तो नहीं संभल पाएंगे हम, फाते टूट जाएगा और मुराद भी। मेरे ताहिर को ना लेकर जाओ, मेरे बेटे की हिफाजत अब अल्लाह करेगा, पर वो चला गया तो फिर हम लोग तो अकेले पड़ जाएंगे। नफीस हमें जीने दो, एक माँ होते हुए तुमसे भीख मांग रही हूं। ताहिर को छोड़ दो बेटा,